आधार कितना जरूरी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइस अगर उसमें कुछ भी गलती है तो अभी के अभी उसको सही करवा लो, वरना कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम करवाने जाते हो तो वहां पे दिक्कत होता है। अब कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, और गाइस ट्रस्ट मी 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाले इस पूरे प्रोसेस में। और मैं बता दूं, कहीं भी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत है, सब कुछ आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसको ओपन करना है आपको सबसे पहले। अब आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और अगर फिर भी आप मेहनत करना चाहते हो ना तो myadhar.uidai.gov.in टाइप कर लेना है, उसका एंटर कर देना है। यहाँ पे लॉगिन पेज पे आप आ जाओगे, उसके बाद लॉगिन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है, उसके बाद ओटीपी सेलेक्ट करना है, फिर आपके पास ओटीपी आएगा उसको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर पे ओटीपी आएगा उसको आपको हैंडी रखना है गाइस, क्योंकि वहीं पे ओटीपी आने वाला है, उसको आपको वहीं पे एंटर करना है, तो उसको हैंडी रखना। उसके बाद हम पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद आधार से रिलेटेड सारे सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गाइस, सबको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे ना दिमाग लगाना नहीं है आपको, बस यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको आधार अपडेट, उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आधार अपडेट ऑनलाइन और हेड ऑफ द फैमिली। HOF को आप ऐसे समझ लो कि घर में अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हो तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके नाम पे ही आप उनका आधार कार्ड बनवा सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल है। खैर फिलहाल हम भटकते नहीं है, पहले जो ऑप्शन है ना उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, आधार अपडेट ऑनलाइन का। उसके बाद ये सर्विसेज कैसे काम करती है ये बताया जा रहा है, मन करे तो पढ़ लेना, ना मन करे तो भैया नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे अपने को। अब यहाँ पे सिलेक्शन पेज आ चुका है और जो भी चेंजेस करना है उसको सेलेक्ट करना है अपने को। अब यहाँ दिख रहा होगा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस के आगे अपडेट्स लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि आप नाम को सिर्फ 2 बार चेंज करा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को 1 बार और जेंडर को भी 1 बार, बाकी एड्रेस के लिए कोई लिमिट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप ऑनलाइन नहीं चेंज कर सकते हो, आप ये सर्विसेज को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना ही होगा। अब हम यहाँ पे एड्रेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसीड टू आधार अपडेट ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हमारे करंट एड्रेस दिख जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको, और जो भी एड्रेस हम रखना चाहते हैं उसको फिल करना है। तो केयर ऑफ में सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने हस्बैंड का या वाइफ का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। उसके नीचे ही हाउस नंबर है उसको एंटर कर देना है, फिर बिल्डिंग नंबर है उसको एंटर करना है, अगर आप गांव से है तो वहां पे गांव का नाम एंटर कर सकते हो, एरिया लोकेलिटी एंटर करना है, जो भी लगता है वो लगा देना आप, लैंडमार्क जो भी है उसको एंटर कर देना है। यहाँ लैंडमार्क को लेके मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हो आगे चल के, या फिर जो देने वाले हो एड्रेस चेंज कराने के लिए, उसमें अगर लैंडमार्क नहीं है गाइस तो प्लीज मत फिल करना, वरना आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ज्यादा चांसेस है रिजेक्ट होने के, तो बेसिकली मत करना, स्किप कर देना उसको। अगर है वहां पे आपके किसी भी आईडी पे तो आप फिल कर सकते हो। उसके बाद पिन कोड एंटर करना है, और पिन कोड एंटर करने के बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप एंटर हो जाएगा। उसके बाद विलेज, टाउन वाले एरिया में ग्राम सभा का नाम जो भी है उसको सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, पहला है मैनुअल प्रोसेस और दूसरा है डिजी लॉकर का। तो गाइज आप मैनुअली भी आप अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट, या फिर डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बहुत बड़ी लिस्ट आएगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हो एक एडवाइजरी सामने आता है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसमें फोटो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, प्लस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भैया ओके कर दे रहे हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। अब हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो उसके लिए व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर एक एडवाइजरी सामने आता है हमारे, जिसमें कि गुरु बताया जा रहा है कि नाम आपका सेम होना चाहिए, उस पर आपको यहाँ पे अपना आईडी अपलोड करना है, अपने पापा का या मम्मी का आईडी नहीं अपलोड करना है, वरना वो काम नहीं करेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर वो ग्रीन भी आ जाता है नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, तो आगे जाके चांसेस हैं कि जो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। साथ साथ एक चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हो ना लिस्ट में से, उसमें वो सेम एड्रेस होना चाहिए जो अपडेट करना चाह रहे हो, तभी सही से काम करेगा, वरना फिर से फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। अब जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है वो 2 MB से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ गाइस जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं अगर नीचे ग्रीन लाइन आ रहा है, इसका मतलब हमने सही से इसको प्रोसेस कर दिया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करने वाले हैं। अब यहाँ आपको नया एड्रेस जो हमने अपडेट किया है वो दिख जाएगा, और एक बार अच्छे से देख लेना,
और अच्छे से स्क्रॉल करके नीचे दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे आपको, उसको टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो अब हम आ गए पेमेंट पेज पे। तो यहाँ पे ₹50 पे करना होगा, बेसिकली ऑनलाइन चार्जेस हैं और ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। यहाँ पे आई हेयर बाय वाले ऑप्शन पे टिक करना है, फिर हमें दो पेमेंट गेटवे यहाँ पे दिखते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है चूज कर लेना। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट आता है, उसको अच्छे से हैंडी रखना, डाउनलोड कर लेना, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ये फोटो खींच के रख लेना, बहुत जरूरी है गाइज। ये पेमेंट करने के कुछ टाइम बाद गाइज आपका जो आधार है वो अपडेट हो जाएगा और इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ जैसे ही आप डैशबोर्ड पर जाते हो, नीचे जो एक सेक्शन होता है वहां पर सब कुछ विजिबल होता है कि आपका कौन सा रिक्वेस्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वहां जाकर आप ट्रैक भी कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 7 से 10 दिन लगता है वेरीफाई होने में, उसके बाद आपका आधार अपडेट हो जाता है। जैसे ही अपडेट हो जाता है आप उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको पीवीसी कार्ड मंगवाना है तो वो भी आप ऑनलाइन के थ्रू मंगवा सकते हो। बाकी अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया गाइस, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो, बस चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।